तो भैया ये ढपोल संघ का है वो हमारे यहाँ, समझ गए जी, झूठ बोलता प्रधानमंत्री होकर झूठ जो आदमी बोलता हो उसके दाएं निकम्मा कोई नहीं होता। तुम कभी देख लेना, पहले जनधन के खाते खुलवा दिए, कितने पैसे आए तन बता दो हमें, कहीं भी कुछ भी हो झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, ये कब तक चलेगी? एक आध आदमी को तो आदमी पूरे जीवन तक बहका सकता है, इस पूरे देश को कैसे बहकावेगा भाई, समझ गए? एक अरब 96 करोड़ आदमी है, इन्हें कब तक बहकावेगा? तो भाई बहका लिया इसने, अब इसका अंत आ गया है, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। और आपकी जो मुझे तो कह देना चाहिए, आपकी मीडिया चमका रही है इसे, मीडिया ना हो तो कुछ भी नहीं है। जी, हम लोगों से बात करते हैं कि तो युवा कहता है कि देश मजबूत हाथों में है, मोदी जी ही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं देश का। अच्छा, देश महंगाई भुगत रहे, कैसे मजबूत भैया? ये ऐसा ऋषि दयानंद ने कहा है, उसे समझ लो कि हमारे जो भी कुछ है सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। ये अपने आप ही जो कुछ करता है अपने कार्य में स्वतंत्र आदमी, ये देश की बात है, सबको बैठा करके, पार्लियामेंट नहीं है उसमें, सब में बैठ के क्या दो ही करेंगे काम को? सब बैठ के उसमें पार्लियामेंट में बैठता उसके जब करता, अब ये अकेला ही कर रहा है तो ये अच्छी बात थोड़ी है। तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी का डंका बज रहा पूरी दुनिया। अरे भैया ऐसा है, इस देश में जब बात जवाहरलाल गुजरे है ना तो सब लोग कह रहे हैं अब कैसे कैसे देश चलेगा। और एक लाल बहादुर शास्त्री ने 18 महीने में 18 साल की वो भुला दी थी, जय जवान और जय किसान उसी का नारा है। 2014 में विकल्प नहीं था आपके पास, 2019 में विकल्प नहीं था आपके, आपको विकल्प मिल गया? बिल्कुल विकल्प हमें कोई मोदी जी का विकल्प ही हुआ कि हमने ढूंढ लिया और मोदी जी का विकल्प मिल गया, हमारा हर किसान और हर मजदूर अब संग है, ऐसी कोई बात नहीं। ये विकल्प ही है और क्या, ऐसा हरा देंगे हम मोदी छोड़े थोड़ी है। आप देख लेना हमारे उत्तर प्रदेश में तो इसकी कुछ सीट आनी ना है, लिख लीजिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ आज, और आके तो मुझे पता ना। लेकिन सर जब 28 तारीख यहाँ गुजरात में दे रखे हो ना कुछ पता ना क्या वो यंत्र मंत्र, और फिर सर जब 28 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत को पुलिस अरेस्ट करने आई थी, हाँ, सबसे पहले चौधरी साहब ने फोन करा अजीत सिंह ने, हाँ तुम्हारे साथ, हाँ बिल्कुल, तो क्या आने वाले चुनाव में राकेश टिकैत साथ देंगे अजीत सिंह का? किसका? अजीत सिंह। ये हमसे क्यों कह पा रहे भैया? ये भी कोई दो मित्र चले जा रहे हैं, अगले मित्र ने पूछे है मित्र मेरे प्रति भाव कैसे हैं, कह यार ये भी कोई पूछने की बात है, जैसे तुम्हारे हैं उसी वक्त के परमाणु मेरे पहले पहुंच जाएंगे, ये कोई पूछने की बात नहीं। आपने पाला बदल लिया था ना? नहीं पाला नहीं बदला उन्होंने कभी नहीं, वो तो लोक दल के साथ रहे आज तक। तो उन्होंने तो कहा मैंने बीजेपी को वोट दिया, आज बीजेपी मुझे पिटवा रही। अरे भाई सुनो, उन्होंने पाला बिल्कुल नहीं बदलो, वो तो जो कुछ कह रहे हो क्यों कह रहे क्या कारण है वो जाने, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो पाला बदल ही नहीं सकते। जैसे आप लोग बदलते हैं जी सर, हिंदू मुस्लिम की बात कैसे करो हैं जी? हिंदू मुस्लिम क्या, हम भाई भाई तो हैं, यहाँ शेख और सैयद मुगल पठान थे भैया, तुम्हें तारीख पता नहीं है, ये लड़ा दिया इसने बेमतलब की बात। अरे हमारे भाई हैं, हम अपने भाइयों को मिलाएंगे, गले से गले मिलाएंगे, क्या बात है? यहाँ तो शुद्धिकरण चले, भले आदमी इतने मुसलमान हिंदू हुए तो आप ऐसे कर रहे हो, इस तरह की बात नहीं, हमारे भाई हैं मुसलमान, गैन नहीं है। बीजेपी तो कह रही है बंगाल में कि 5000 गांव। अरे मुसलमान ये सही तो बात है या नहीं, जब ही तो लड़ावे मुसलमान और कहीं कुछ इस तरह की विचारधारा है इसकी, ये बहुत बड़ी विचारधारा है। सरकार का स्टैंड क्लियर है कि कानून वापस नहीं करेंगे हम, तो किसानों के पास क्या रास्ता है? तो सरकार वापस हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, किसान वापस ना मत करो वो, सरकारी वापस हो जाएगी और आप फिर कोई ना कोई आवेगा भैया, अदल बदल करते रहो ना जाने कोई अच्छा मिल जाए सरदार। तो फिर सरकार वापस करने का इंतजार कर लो, क्यों किसान वहाँ शहीद करवा रहे हो आप लोग? हैं जी किसान शहीद हो रहे हैं ना वोट ना। अरे भाई वाह वाई तो होगा, जो कुछ होगा तो हम पहुँचेंगे, मैं भी तो आई रहा हूँ किसान यूनियन में हूँ भैया, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ मैं, ऐसे ना तुम सोच रहे हो, मैं आप तुम्हें क्लियर बताऊँ, मेरा नाम पूर्ण आर्य है। जो किसान है उनकी फसल भी कई ऐसी सूचना आ गई है, उन्होंने फसल जोत दी अपनी कच्ची, वो कुछ किसान सुसाइड भी कर लिए हैं करीब 200, सब कुछ किसान बलिदान कर रहा है लेकिन मोदी जी दो शब्द नहीं बोल रहे हैं। ऐसा है उसे उस पर दया किसी ने करी ना है, और वो दया क्यों करेगा भाई, उसे जो मिली है ना वो शासक में मिल गई और वो आरएस का आदमी है, समझे? जब अपनी पत्नी को पति लोक से तरती हुई जो परमात्मा को प्राप्त करे वो पत्नी होती है, शिव लोक से तरता हुआ जो पत्नी को प्राप्त करे वो पति होता है, जिसने अपनी पति त्याग दी हो किसके लिए, मतलब देश के लिए क्या कर देगा? तो क्या विकल्प राकेश टिकैत को समझाने वाले समय है जी? राकेश टिकैत जी को समझा विकल्प आने वाले समय? हाँ बिल्कुल, चुनाव लड़ेंगे कौन?
राकेश कभी जैनते हमारे विकल्प, हमारे विकल्प तो जैनते हैं चुनाव पर लड़े हैं जिससे ना नहीं, वो लड़ लिए जो कुछ लड़ लिए वो अब नहीं लड़ेंगे चुनाव, वो नहीं लड़ेंगे कभी नहीं लड़ेंगे। सरकार तो कह रही है 2024 की तैयारी कर रहे हैं राकेश कौन जब आप तुम भी हैं हम भी हैं जो जिंदे जागते रहे परमात्मा के पता कुछ ना बीमारी हो जाए ठोकर लग के अभी खत्म हो जाए पर आप देख लेना वो कभी खड़े नहीं होंगे। मैं कह रहा हूँ मैं दिन रात उन्हीं के पास रहता हूँ। ये जो महापंचायत और इनका मकसद क्या है, संदेश क्या देना चाह रहे हो सरकार? संदेश ये देना चाह रहे हैं मोदी जी हराएंगे बस, तो मैं अब सीधी सीधी बता दी या ये कहना चाह रहे हो आप? सर 2018 में आप जब किसान यूनियन में तो आपको पता होगा 2018 में आप गए थे गाजीपुर बॉर्डर पे। हाँ जी। और आप वहाँ पिटे भी आपके ऊपर पानी की बौछार भी, वापस आए फिर 2019 में वोट भी दिया आपने। किसे? बीजेपी को, चौधरी साहब को हराया। भैया जब ना माने तो हम नहीं दही, तुम आप आते कह लो हम नहीं दही, ना मानने लोग तो हम नहीं दे दें जी और क्या करते, हम नहीं दे दें। हमारी जो नौजवान लंढेरी ना वो ना समझ पा रही, जब अब सब समझ गए हैं क्या हो रहा है। हाँ सब समझ रहे हैं और जिस पे अब क्या वो बिल्कुल हार जाएगा तुम देख लेना। पर सर्वे तो ताऊ ये कह रहा अभी भी अगर प्रधानमंत्री अगर चुनाव अभी चुनाव हो जाए तो दोबारा पर भैया मैं बता रहा हूँ सर्वे तो आपको कहते ही रहेगा, सर्वे तो तुम लोग वाकई करवाते ही रहोगे कहते ही रहोगे भाई बिल्कुल जो भी कुछ है मीडिया गाय गुनवाई कर रही है और जो कुछ तन्ना अलग अलग चला तो थारे पता 3 मीडिया वाले जेल में चले गए तनक भी किसान कह दे तो पता नहीं है आपको क्या? तो मीडिया सही से काम नहीं करती क्या देश में? ना मीडिया चैनल मीडिया आज तक बताओ कौन से भाई कोई बोल ना रहा सपा ना बोलता इंडियन अठारह है वो खरीद रहा क्या बिल्कुल उसकी नहीं तो बताओ मीडिया के ऊपर तो देश चलता है भैया मीडिया तो सब कुछ होती है मीडिया सच्ची होती है करंधार हो बताओ यार तो सच्चाई है 3 महीने पहले तो अच्छी लगती थी मीडिया वो आपको कौन सी वही मीडिया ना हमें 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 कभी अच्छी ना लगी भैया एक संदीप चौधरी कभी अच्छी ना लगी हम तो वायदना से कह रहे हैं कि मीडिया तो कुछ ना कुछ करवाएगी वास्तव में मीडिया देखो सुनो मीडिया ही एक ऐसी ही सत्ता जो मीडिया के ऊपर मीडिया ने पाला बदल दिए मीडिया को अच्छा लग रहा है मोदी मुझे तो ये लग रहा है और नहीं तो तुम भले आदमी बदल जाओ क्या दबाव में काम कर रहा है मीडिया देश का बिल्कुल जैन जी गांव-गांव जा रहे हैं पंचायत कर रहे हैं कम से कम 6-7 गांव में पंचायत कर लिया अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाँ जी लगता है असर पड़ेगा इसका 2022 में या 2024 में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा जी बहुत ज्यादा कम नहीं आप लोग तो भूल जाते हो क्यों कहाँ भूल जा भैया हम नहीं भूलते ऐसा है तो समय, समय, समय बदलता ना, ये तो कोई बात नहीं हम नहीं भूलते हम तो भूलते ही ना है कुछ लोग होते हैं जो पार्टी में नहीं होते वो बदल जाते हैं जो पार्टी नेतृत्व होते हैं वो क्यों बदलेंगे भाई तो वो लोग तो बदल जाते हैं। अच्छा होता क्या है कि बाजीगरी ही इसके पास आपने सुनी होगी एक मिसाल है एक आदमी जो है का वो बहुत गरीब था उसने कहा भाई मैं कहीं से कुछ मांग के लाऊं तो मांगने के लिए गया था एक उसे मिला एक ब्राह्मण क्या बात है भाई कैसे ऐसे परेशान हो अरे यार तू बड़ा परेशान है चल मैं तुझे दबा के लाऊं तो उसने जो है का एक बाबा जी के पास ले गया कि बाबा जी इसे वरदान दे दो आप तो बाबा जी ने सोचा अच्छा भैया क्या दे दूँ तो उसने उसे पारस पत्री दे दी कि तू जब भी मांगेगा एक गिन्नी देगी रोज बात को सुन लेना भैया बहुत कम तत्व कह रहा हूँ एक गिन्नी रोज देगी कि अच्छा एक गिन्नी कि हाँ रोज एक गिन्नी मिलेगी उसके बाद क्या हुआ कि वो आया नहाया एक लाला की दुकान थी लाला देख रहे हो नहा रहा हो भैया तो शिवालय पे पहले शिवालय मंदिर होते थे जब वहाँ नहा रहे हो तो नहाते में ही क्या हुआ कि वो लाला ने देख लिया वह बजाते हो फिर वह ने वो जो है बोले महाराज हाँ एक जो है का मुझे गिन्नी दे वो गिन्नी मिल गई गिन्नी मिल गई ओहो ये तो बहुत जोर की पारस पत्थरी लिए टोला पत्थर या हुच वहाँ ने वो डांटे हो बड़ी खुशामद करके और वो आके ले ली नकली गिन्नी वहाँ दे दी और वो पत्थरी भी ले ली पारस पत्थरी भी उस पर थी और वहाँ नकली दे दी और वो घर गया बोले मैं सहानी थे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ आज और इस तरह से है वहाँ ने फिर नहायो धोयो करी कतई कुछ भी ना हो क्यों तो छिन गई फिर गया बाबा जी मुझसे तो आपने झूठ बोल दी अरे क्या भले आदमी मैंने झूठ ना बोली तू कहाँ गए हो कि ऐसे ऐसे हुई कि तू फिर ले जा तो एक शंख दे दियो आज शंख दे दिया बड़ा अब जब वो पहुँचो हुई नहायो धोयो कि तू ऐसे ऐसे करना जैसे मैं बता रहा हूँ मैं तो जल्दी कर रहा हूँ बात को शॉर्ट जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना क्या जी ठीक है ऐसे ही करूँगा तो वहाँ गया और नहायो नहा के वो लाला जी ने देखो तो फिर वहाँ शंख बजाया कह जी महाराज हाँ मुझे जो है का इतनी 4 गिन्नी कि कल 8 दूंगा
फिर वहां नहाया तो कल क्या कितनी तुमने कल लाट कही थी कि कोई बात नहीं कल सो ले दूंगा वाने परख ले लाला ने कि यू है जो कुछ है वाने वो ले आके वहां पारस पत्री दे दे और शंख रख लियो और वह धोवे धो धा के फिर कही भैया हाँ जी हमें कुछ दबाओ हमें चार गिन्नी क्या आठ गिन्नी दूसरे दिन फिर लाला नहायो धोयो फिर करी लाला ने अरे के भैया तू मुझसे बैठना बाग मैं तो ढपोल शंकू जो तेरे पे यही पारस पत्री तो गई